आज हम कोटरी बैराज या कोटरी का जो पुल है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। ये हम हैदराबाद के मशहूर ज़माना चौक गिद्दू चौक पे खड़े हुए हैं इस टाइम, और मेरे उल्टे हाथ पे जो बिल्डिंग है ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर गिद्दू बंदर या गिद्दू का पागलखाना है, जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पागलखाना है। ये हुसैनाबाद का एरिया है और यहाँ से हम कोटरी की तरफ जो है वो अब सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये वाली जो जगह, ये आपको ब्रिज के नीचे जो एरिया नज़र आ रहा है, इससे थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ न्याज स्टेडियम, जहाँ क्रिकेट और दीगर मैचेस जो है वो खेले जाते हैं जब हैदराबाद में होते हैं, और उसके अलावा ये हुसैनी दस्तरखान है। यहाँ पे गरीब और मज़दूरों के लिए यहाँ पे जो है वो खाने का इंतज़ाम किया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है। इस टाइम जो है वो नाश्ते की तैयारी की जा रही है। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ, बहुत देखें बहुत मियार के मुताबिक बर्तनों को और डीप फ्रीज़र भी रखा हुआ है, और यहाँ पे बिठा के बहुत इज्जत के साथ जो है वो गरीब और नादार और मुस्तहिक अफराद को जो है वो खाना खिलाया जाता है। ये सिंध का सीड कॉर्पोरेशन एक ऐसा दफ्तर यहाँ पे बनाया गया है, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे काश्तकारों को मशवरे भी दिए जाते हैं, और उसके अलावा जो है वो बेहतरीन किस्म के सीड जो है वो फ्राहम किए जाते हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं, ये कोटरी का पुल है। हम इस टाइम दरियाए सिंध के किनारे पे खड़े हुए हैं। यहाँ से हम आपको कोटरी के जो पुल है उसका जो है वो व्यू दिखा रहे हैं। ये पुल तीन स्टेप्स में है। नंबर एक स्टेप ये वाला, ये तो सिर्फ हम लोग जो है वो नॉर्मल गाड़ियाँ गुजरने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इससे पहले हम आपको पुल दिखा रहे थे ये वाला पुल, इसके अंदर जो है वो एक गाड़ियों के जाने का रास्ता है, एक गाड़ियों के वापस आने का नॉर्मल फोर व्हील, और दरमियान में इनके जो है वो रेलगाड़ी के गुजरने का रास्ता है। ये अब जब हम इस पुल को क्रॉस कर रहे होंगे फिर हम आपको जो है वो डिटेल में दिखाएंगे। ये पुल का नीचे का हिस्सा है, ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत अजीम शान किस्म का पुल ये बना हुआ है। अब हम यहाँ से आपको पुल का आगाज़ यहाँ से होगा वो दिखा रहे हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है वो रेलगाड़ी की पटरी है, और इस टाइम अभी थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो पुल का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पे एक पटरी रेलगाड़ी आ भी रही है, लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ा सा काम हो रहा है रेल की पटरी पे, इस वजह से वो रेलगाड़ी को उन्होंने रोका हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो जब हम आगे जाएंगे तो उम्मीद है कि जब यहाँ से रेड लाइट ख़त्म हो जाएगी तो रेलगाड़ी जो है वो आगे ट्रेवल शुरू कर देगी। वो रेलगाड़ी आपको शायद पीछे नज़र आ रही हो, वहाँ पर उसको स्टॉप किया हुआ है, और यहाँ पे इस जगह पे जो है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो है वो एक आदमी जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये रेलगाड़ी का जो है वो पटरी का ट्रैक जो है और उसके पत्थर वगैरह जो गालिबन वो ठीक कर रहा है। जब ये रेड लाइट ख़त्म हो जाएगी, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, तो ये रेलगाड़ी जो है वो हमारे साथ इसी रुख पर जो है वो चलेगी। अब ये आप देखें, यहाँ पर हम लोग जाने वाली सड़क पर जा रहे हैं, और इसके बराबर में जो है ये रेलगाड़ी का जो ब्रिज है या पुल है वो है, और सीधे हाथ की तरफ हमारे रेलगाड़ी का पुल है, और उल्टे हाथ की तरफ जो है दरियाए सिंध है। इस टाइम दरियाए सिंध में पानी ना होने के बराबर है, और बल्कि आप लोगों के लिए हैरत की बात होगी कि इसका जो खुश्क एरिया है वहाँ पे पानी सिर्फ सैलाब के दिनों में आता है, वरना यहाँ पर बाकायदा लोगों ने आबादियाँ भी जो है वो बना ली हुई हैं। यहाँ पे कुछ मछेरे तकरीबन हमें जो नज़र आई हैं वो कुछ 10-15 के करीब कश्तियाँ नज़र आ रही हैं दूर दराज, और एक कश्ती थोड़ी करीब भी है। यहाँ पे लोग जाल डाल के माहीगीर जो है वो कुछ ना कुछ मछलियाँ जो पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ये कश्ती आपको नज़र आ रही है, ये एक छोटी सी कश्ती है जो कि मैनुअली या चप्पू की मदद से जो है वो चलाई जा रही है। एक बच्चा है छोटा सा, इसको ये चला रहा है। ये इस टाइम जो है वो यहाँ पे लोगों को तफरी के लिए भी जो है वो बिठा लिया जाता है इसके अंदर, और थोड़े बहुत पैसे कमा लिए जाते हैं। अब इस पुल को हम क्रॉस करके कोटरी शहर के अंदर जो है वो दाखिल होने वाले हैं, और फिर हम आपको जो है वो कोटरी का मज़ीद जो तारुफ करवाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा पुल क्रॉस कर लिया हमने। कोटरी के बारे में एक बहुत ज़्यादा जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, ये लोकोमोटिव
का वर्कशॉप है। यहाँ पे रेलगाड़ी की तमाम वो दुरुस्त किए जाते हैं जो फॉल्ट हो। ये दीवारें मेहरबानी है जहाँ पे आप लोगों को इल्म होगा कि आजकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो यूनिवर्सिटी के लड़कों ने ये स्टार्ट किया था दीवारें मेहरबानी। उसके ऊपर जो है वो लोग अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े लटका देते हैं या जूते या कोई इस किस्म की चीज़ें, और ज़रूरतमंद आके वहाँ से वो अपने नाप के हिसाब से वो उठा लेते हैं, और अगर कोई और चीज़ रखनी हो किसी ने तो वो रख लेते हैं। ये यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना हुआ है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है, और ये सलाहुद्दीन बाबा का मज़ार है। और यहाँ पे ये इसके बाहर जो है वो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ से दूर दराज से जाहिर सी बात है लोग ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे ज़्यारत के लिए, और वो फिर वापसी पे अपने प्यारों के लिए मुख्तलिफ शहरों से, तो यहाँ से वो छोटे मोटे खिलौने और इस किस्म की चीज़ें जो है वो सौगात के तौर पर ले कर जाते हैं। ये पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, नहर है ये, इसके उल्टे हाथ पे रफान वालों का जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे उन्होंने जो है वो मिल लगाई हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के उनके प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार होती हैं। उसके अलावा ये नया जो ओवरहेड ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं, यहाँ पे ट्रैफिक अच्छी खासी थी जिसकी वजह से हादसात भी होते थे, तो ये ओवरहेड ब्रिज बनाए गए हैं दो यहाँ पे, और जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक की रवानी काफ़ी जो है वो बेहतर हो गई। ये ट्रेन जो वहाँ पे उस टाइम रुकी हुई थी, अब ये देखें ट्रेन जो है वो यहाँ पे आ गई है। अब हम ट्रेन की मुखालिफ सिंक में जा रहे हैं क्योंकि हम इस ओवरहेड ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और अपनी जो हमारे डेस्टिनेशन है जो हमारी जगह थी वहाँ पे हम जा रहे हैं। अब ये देखें ट्रेन आपको यहाँ से नज़र आ रही है, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन भी, अब यहाँ से आपको ट्रेन का व्यू नज़र आएगा। ये वही ट्रेन है जो उस टाइम जो है वो वहाँ पे रेड सिग्नल होने की वजह से जो है वो रुक गई थी और अब यहाँ पे आ गई। अब हम ये कोटरी शहर के अंदर हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो यहाँ से अब हम ये वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो रहा है, तो आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जगहें ये मैं बाइक के ऊपर आपको नज़र आया हूँगा, तो बच्चे जो है वो इस टाइम गाड़ी में हैं और मैं बाइक पे साथ उनके चल रहा हूँ। अब हम ये वापसी जो आपको पुल दिखाएंगे जिस पुल से हम लोग आए थे, अब ये सेकंड ये कोटरी शहर में से हम लोग जो है वो गुजर रहे हैं, और ये वही रेलगाड़ी का जो है वो ब्रिज है, इसको हमने क्रॉस किया। अब सीधे हाथ पे हम मुड़ेंगे और वापसी का सफ़र जो है वो हम आगाज़ करेंगे। कोटरी पुल से वापसी का सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया। अब यहाँ से पुल की हदूद शुरू हो रही हैं, आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी हुई है यहाँ पे, पुल बहुत पुराना है लेकिन अभी भी मुनासिब कंडीशन में है, गुजारा बहुत अच्छा दे रहा है। और अब यहाँ पे आप उल्टे हाथ पे मेरे आते हुए उल्टे हाथ पे जो है वो पानी था जो समंदर की तरफ जा रहा था, अब ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि अब हम वापस आ रहे हैं, तो ये उल्टे हाथ की तरफ वो पानी है जो बैराज को कंट्रोल करके जो है वो यहाँ पे छोड़ा गया है। यहाँ पे नस्बतन ज़्यादा पानी है और गहराई भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, और ये अगेन मेरे अब सीधे हाथ की तरफ जो है वो रेलगाड़ी की पटरी है जिसके ऊपर रेलगाड़ी जो है वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे खुश्की की वजह से जो पानी का पानी के साथ आप लोगों को पता है कि रेत आ जाती है मुख्तलिफ पहाड़ों से और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो ये भालू रेत कहलाती है, और ये चूँकि मीठे पानी की रेत है इस वजह से बहुत ज़रखेज़ होती है, और ये पौधों के लिए फसलों के लिए और मुख्तलिफ किस्म के जो बुनियादों में भर्ती के लिए भी इस्तेमाल होती है।